आप देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। हर दिल्ली की बात करें तो 4-3 का रेशो और हरियाणा में 9-1 का रेशो रहा है। और सर अगर बात करें ये जो रेशो आपने तय किया है, क्या फार्मूला तय किया गया है इसको लेकर? आपके सामने नंबर तो रख दिए गए हैं, 9 है के दिल्ली में 3-4 हैं और वो जो है हमारी जो कमेटी थी उन्होंने सभी जो है पहलू का अभ्यास करते हुए एक दे हैव अराइव्ड टू अ डिसीजन। इट इज़ अ यूनैनिमस डिसीजन, पार्टी का डिसीजन है और मैं समझ रहा हूँ कि इट इज़ इवॉल्व्ड अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टी। हो सकता है कई जगह पे कई लोगों को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े, उनको भी करना पड़े, हमको भी करना पड़े, बट आज जो हमारे लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियाँ हैं और पूरे देश के सामने चुनौतियाँ उसका सम्मान करते हुए परिस्थिति का नज़ाकत समझते हुए everybody has accepted this formula and decided to go together. अगर हरियाणा की बात करें सर, हरियाणा पे जो आप प्रभारी हैं और जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लेते हैं, वो मना कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन आखिर हो गया। आप कैसे एक्सेप्ट जो है वो लोग करेंगे? जब तक आपका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है तब सब लोग अपनी बात रखते हैं। हुड्डा जी ने और उदयपान जी ने भी वो बात रखी होगी, बट वंस वी हैव अराइव्ड एट अ डिसीजन I don't think there is any scope for any further discussion on those issues. क्या कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलकर अब वोटिंग करेंगे? साथ में मिलकर करेंगे, जॉइंटली करेंगे, एक दूसरे के वोट ट्रांसफर होंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। दिल्ली में बीजेपी आपके चुनौती में है, कैसे देख रहे हो, कितना चैलेंज आप कर पाएंगे बीजेपी को? की सातों सीट पर हार जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्ची हाथ में दे दी तो मोदी जी जो हैं उसका झोला लेके जरूर से जहाँ चले जाना है चले जाए। दिल्ली में और हरियाणा में आपका गठबंधन हो गया है लेकिन पंजाब में नहीं हो पाया है, क्या वजह रही है? स्थानीय परिस्थिति होगी भैया, से आई कैन नॉट गो इनटू इट, आप मुकुल जी से पूछिए। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? मुद्दे आपके सामने स्पष्ट है, देश में जो प्रकार की परिस्थिति बनी है, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के MSP, जो वर्किंग क्लास में लेबर का शोषण, हाउसिंग की समस्या, लोगों की जो डे टू डे नीड की समस्या है, डर धाक और ये लोकतांत्रिक जो है जितने भी तरीके उसको ख़त्म करना, प्रणाली को ख़त्म करना, ये देश के गरीब लोग सहमे हुए हैं, भेदभाव जो हो रहा है, पोलराइजेशन से एक सब प्रजा के एक वर्ग को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है और पूरे देश में एक माहौल है, तनाव का माहौल है। आम कॉमन मैन जो दो टाइम का मजदूरी करके खाता है उसके लिए जीवन एक संघर्षपूर्ण हो गया है, वो सब बदलाव चाहते हैं। और आपकी चैनल के जरिए मैं जरूर से कहूँगा कि जो है अभी सब लोग मन बना ले कि ये सरकार के साथ, जैसे किसानों का दमन कर दिया पॉइंट ब्लैंक से, जनरल डायर को भी शर्म लगे इसी प्रकार से उसको शूट कर दिया किसान को, तो ये परिस्थिति में ये सरकार के साथ न तो कोई बात करने का मतलब है, न तो उनके साथ कोई संवाद करने का मतलब है। दे आर डिराइविंग देयर पावर, वो प्रजातंत्र में प्रजा का भावना का सम्मान करने के बदले अपना कैपिटलिस्ट एजेंडा लागू करना चाहते हैं और उसके करने के लिए दमन करते हैं। तो जो है लोगों को मन बना रहे कि जरूर से लोकतंत्र में आने वाले दिनों में वो सरकार से संवाद करेंगे जो पूरी पारदर्शिता से चुन के आई हुई है और वो पूरी पारदर्शिता के लिए जो अभियान चला है, मेरी पर्ची मेरे हाथ, मेरा वोट मेरे हाथ, उसका सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन भी सम्मान करें, वो पूरे देश में वातावरण पैदा हो और बड़ी भारी मात्रा में लोग इसके बदलाव के लिए मतदान कर दे। तो बिल्कुल ये थे प्रभारी दीपक गोवरिया जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।